पानी नहीं होता, तो आपको पानी जरूर रखना अपने साथ। हम तो क्या था, हम एक पोर्टेबल स्टोव था, हम पे जहाँ मन करा कैंप लगा दिया, कैंप नहीं भी लगाया तो मैगी इतनी थी स्टॉक में, पास्ता इतना था। तीसरी चीज़ है आपके फ्यूल की, ये चीज़ आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। वहाँ ऑक्सीजन लेवल रहता है कम, और आपकी हाइट मतलब दिल्ली के लेवल से लाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होते हैं। आप ये मानो आप करीबन करीबन कितने हज़ार फीट, बीस बीस कितने हज़ार फीट के पास पास करते हो। तो मेरे साथ जो दिक्कत है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ दिल्ली से अपना फ्यूल टैंक फुल करा दिया था, सीएनजी कार है तो फ्यूल, देखो गैस देख रहे हो, ये कपूर जो पूजा में इस्तेमाल होती है, ये कैसे भाई ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो जाता है ना, इतना डाउन पूछो मत। एक तो आपके पास क्या बोलते हैं, हवा भरने वाला इंसुलेटर बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगर बजट ठीक है तो आप चार्जिंग पोर्ट वाला ले सकते हैं, अगर नहीं है बजट ठीक, भैया बोले लद्दाख जाने में इतना खर्चा हो रहा है, उसके बाद तुम बोले बजट भी ठीक और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करो, तो आपका 100-150 रुपये का पंप आता है जो कि आपके क्लिप इसमें लग जाते हैं, हाथ से ही भर सकते हैं। अब आप सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अदर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों। पीछे धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये हमारा चेला बढ़िया हो हमारी तरह। और भाई ये नास्तिक आदमी आज नहा लिया, कैसे नहा लिया तो आज कंची का बिठाई है भाई आज। ओहो तभी तो टीका वीका लगा रखा इस बार, अष्टमी में लीन हूं मैं आज। इस बार अष्टमी नवमी एक साथ हुई है ना आपकी, इसलिए। और भाई आप सबको भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल विजयदशमी है दशहरा, सब लोग अपने अंदर के रावण को पहले मारे ये, क्योंकि रावण तो एक बहुत महान पुरुष था और उसने सिर्फ एक जने की बीवी को उठाया था, बाकी वो भी नहीं। श्री राम ने उसने एक गलती करी, एक गलती करी, अभी अल्लाह मचा रहा है, एक गलती करी तो भाई उसे अब तक दुनिया जलाती आ रही है। अपने अंदर के रावण को देखो, कोई लड़की निकल के जाती है आपके पास आप क्या करते हैं, तो इस चीज पे भी थोड़ा सा काम करें, रावण को बाद में जलाएं, पहले अपने अंदर के रावण को मारे। इमोशनल हो गया। ये देखो भाई हमारा दोस्त है, और हम यहाँ आए थे, यहाँ चल दिया गार्डनिंग का काम, मतलब सामने ना ग्राइंडर वगैरह चल रहा है, घास काटने का हल्ला ज्यादा हो रहा है। और भाई आज का टॉपिक आपको बता दूं, आज का टॉपिक है हमारा कि जैसे हम लेह लद्दाख को गए, जिन भाई ने सीरीज नहीं देखी, जो नए देख रहे हैं वीडियो को वो भाई जाके देखें, पूरा सीरीज डली हुई है हमारे, लेह लद्दाख के भी आए हैं हम 15-20 दिन हुए, उसके रिगार्डिंग ग्रैंड विटारा का रिव्यू देना है। मतलब रिव्यू नहीं, आप कोई भी गाड़ी ऑनर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं कार वालों के साथ, तो आप पहले से तैयार होकर चलें। और अगर आप लद्दाख जाने से पहले ये वीडियो देख लें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब आपकी वीडियो चालू करते हैं गाड़ी के बाहर चल के, कि क्या क्या चीज़ें आपको ओके लेके जानी चाहिए और क्या क्या इक्विपमेंट आपके पास होने जरूर चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बात करें आपको, जैसे मसूरी नैनीताल वगैरह कहीं आसपास जा रहे हो तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ले जा रहे हैं ना, लेह के लिए सबसे पहले आपकी गाड़ी सर्विस होनी चाहिए अप टू डेट, और सर्विस नहीं भी करा रहे तो मिनिमम आप अपना ऑयल फिल्टर और ऑयल और एयर फिल्टर, ये तीन चीज़ ज़रूर चेंज करवा लें। हमने क्या करा था, 2000 किलोमीटर पहले मेरी सर्विस हुई थी तो मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि 10,000 की रेंज होती है सर्विस इंजन ऑयल के, तो वो हमने करा लिया। तो पहले तो आपकी गाड़ी सर्विस होनी चाहिए एक्यूरेट, और सेकंड पार्ट आपका आपकी कार, जैसे मेरी गाड़ी में अलॉय व्हील डल रखे हैं प्लाटी के, 18 इंच अलॉय व्हील है, तो मैं ये आप सोच रहे लगा के गया हूँगा, जब हम देख रखे हैं ब्लॉग, ये मैं उतार के अपने दोस्त के पास ग्रैंड उठा रहा है उसे लेके गया था, क्योंकि ओवर साइज अलॉय व्हील कहीं ना कहीं वहाँ नुकसान भी देते हैं, और जो हमारे रिम होते हैं ना, जो कंपनी फिट रिम होते हैं स्टील रिम, वो ना बैंड हो जाते हैं एक बार को, कि चलो कहीं कुछ ऐसे डायमेंशन आ गए, कोई गड्ढा ऐसा आ गया प्रॉपर, तो वो बैंड हो जाएगा आपका, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं रहेगी, बैंड हो गया वो 2-4 हथौड़ों में ठीक हो जाता है तो बैलेंसिंग में आता है, ये क्रैक होते हैं भाई अलॉय व्हील का सबसे बड़ा नुकसान ही है। अगर ये सही तरीके से डिवाइडर उवाइडर खुदा दिया आपने, ऐसे साल में डिवाइडर है इस पर, अगर तरीके से 50-60 फुट पर ला के मार दिया तो रिम तो बैंड हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो हो सके तो स्टॉक गाड़ी लेके जाएं, टायर और उसके क्या बोलते हैं इंजन के वास्ते कोई अपग्रेड ना हो, और स्टॉक गाड़ी सबसे बेस्ट है भाई। लो प्रोफाइल टायर बिल्कुल ना लेके जाएं लेह में, बंद लो प्रोफाइल टायर आपके दिक्कत ही करते हैं, और
लो प्रोफाइल टायर में तो ये हल्के से लो प्रोफाइल हैं, 55 इंच है, 60 आते हैं इसमें, लेकिन अगर आपके 50 से नीचे है ना तो वो फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उन टायरों के, क्योंकि धचकी आती है, पत्थर आता है तो क्रैक मार जाता है टायर। तो तीसरी चीज़ है आपके फ्यूल की। ये चीज़ आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ। वहाँ ऑक्सीजन लेवल रहता है कम, और आपकी हाइट मतलब दिल्ली के लेवल से लाओगे तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होते हैं। आप ये मानो आप करीबन करीबन कितने हजार फीट, 20-21 हज़ार फीट के पास पास करते हो। तो मेरे साथ जो दिक्कत हुई मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ दिल्ली से अपना फ्यूल टैंक फुल करा दिया था, CNG का आ रहे, तो फ्यूल देखो गैस देख रहे हो, ये तो गैस की जो आवाज़ आई थी, तो अब तो ये जल्दी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये लद्दाख से ही खोला नहीं है मैंने, जो फ्यूल था वो डलवाया नहीं इसमें, CNG का रहा, CNG का काम हो जाता है। तो भाई हाई एटीट्यूड पे जाते हो ना आप ऊपर पासिस पे, तो हमारी कार में क्या हुआ, कार पिकअप तोड़ रही, दब रही। मैं बोला यार इतनी वैसे तो बहुत बढ़िया चलती है, हर जगह बद्रीनाथ हो या और भी स्पीति वगैरह, ये क्या हुआ। मैंने एक जगह ना पेट्रोल पंप पे ढक्कन खोला शर्र, और कभी 2 मिनट तक इसमें गैस निकलती रही, तो इसमें प्रेशर बन जाता है पेट्रोल टैंक में आपका। आप कभी भी जाएं ले वगैरह, तो जैसे एक सिंगल कट होता है ना, फिर फुल टैंक करा रहे हो भैया रुक जाओ अभी तो सिंगल कट होता है ना उस पर रुकवा दे। मैंने क्या करा, हिला हिला के पूरी गाड़ी ऊपर तक भरवा दी, उसमें तो गैस और ज़्यादा बननी, फिर मेरे को ये समझ में आया। उसके बाद भी जब मैंने फ्यूल डलवाया तो सिंगल जैसे आप लगा के छोड़ दोगे लीड, फुल होते ही कट मार जाता है ना, वहाँ पे छुड़वा दो, उससे ज़्यादा भरवाओगे तो उसमें गैस बनेगी, और आपकी गाड़ी में जब एयर पास नहीं हो पाएगा ना, पेट्रोल प्रॉपर नहीं जा पाएगा फ्यूल पंप में, कि एयर निकलनी भी चाहिए, तो आपकी गाड़ी 100% मिसिंग करेगी वहाँ, और आपको लगेगा गाड़ी में जान ही नहीं है, मैं क्या खटारा लिया है लद्दाख। अब मैंने खोल दिया अपना बोनट, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चौथी चीज़ आपको क्या चाहिए उसके लिए। ये होता है हमारा एयर फिल्टर, जिन भाई को थोड़ी कम नॉलेज है गाड़ी वगैरह की, ये एयर फिल्टर बड़े इजीली मतलब ग्रैंड विटारा का खुल जाता है, कई गाड़ियों खुल जाता है, अगर किसी का एलन की, जैसे मेरा XUV500 का एलन की से खुलता है, तो एलन की आप एक स्पेयर में रख लीजिए, और आपको ये स्पेयर में एक यहीं से ही जेन्युइन एयर फिल्टर लेकर जरूर जाना, क्योंकि वहाँ मट्टी इतनी उठती है बहुत सी जगह पेंगोंग की तरफ, आपको पूरा ये रस्ट वो मट्टी में हो जाता है। जैसे यूँ खोला इजीली और यूँ निकाला, अपना एयर फिल्टर झाड़ लो, ये देखो अभी कितने मट्टी में है ये देख रहे हो, फिर झाड़ लो या तो आप, या फिर एक स्पेयर लेके जाओ और इसे फेंको, 250 का आता, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, और अपना नया लगा लो, क्योंकि इससे भी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा होती है जब मट्टी ज़्यादा भर जाती है इसमें। पांचवी चीज़ आपकी भाई ये है, जिसमें हम वॉशर का फ्लूड डालते हैं ना, तो ये आप जैसे एसर का आता है, मारुति का भी, और भी मतलब सर्टिफाइड कंपनी का डालें, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है भाई। मेरी गाड़ी पे क्या हुआ, मैंने वो डाल दिया था, टैबलेट नहीं आती सस्ती पड़ती हैं वो, उसमें डाल दो घुल जाती हैं, वो पूरा ऐसा हो जाता है, सरफ ही होता है एक तरीके का, पूरा सरफ, जैसे आप व्यू भी कैप्चर करना चाहोगे अपने फ़ोन के अंदर से, तो पूरा जहाँ जहाँ वाइपर मारा वहाँ तो क्लीन हो जाएगा, साइड में पूरा सरफ सा वाइट वाइट जम जाएगा, तो वो चीज़ भी भाई मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे फ्लूड डाल रहे हो तो आप ऐसा डालो जमे भी ना, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर रहता है, सबसे बढ़िया चीज़ फ्लूड ही डालो। वरना एक आपको टिप भी दे दूँ, ईजी आता है पैकेट, 2-3 बार में डालेगा इसमें, 20 रुपये वाला पैकेट वो डालो, ईजी सबसे बेस्ट है, ईजी या फिर वो फ्लूड जो इसका वाइपर फ्लूड आता है, शैम्पू ना डालें, शैम्पू भी दिक्कत करता है और वो गोलियाँ भी, ईजी सबसे बढ़िया है क्या, ईजी डाल के देखो मेरे कहने पर ना, मजा आ जाए वाइपर में क्लियरिटी में बिल्कुल चमका देता है। छठी चीज़ भी भाई हमारी कार के टायर के रिगार्डिंग ही है, आप कोई से भी टायर ले जा रहे हैं, एक तो आपके पास क्या बोलते हैं, हवा भरने वाला इंसुलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर बजट ठीक है तो आप चार्जिंग पोर्ट वाला ले सकते हैं, अगर नहीं है बजट ठीक, भैया बोले लद्दाख जाने में इतना खर्चा हो रहा है, उसके बाद तुम बोले बजट भी ठीक और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करो, तो आपका 100-150 रुपये का पंप आता है, जो कि आपके क्लिप इसमें लग जाते हैं, हाथ से ही भर सकते हैं, आप वो ज़रूर रख लें, प्लास्टिक का है वो, फुटबॉल वगैरह में भी हवा भर जाती है, वो ज़रूर रखें गैस से, और उसके साथ साथ एक अपने टायर के साइज़ की ट्यूब ज़रूर ले जाएं, मतलब एक ट्यूब तो आपकी गाड़ियाँ कंपलसरी चाहिए, क्योंकि कई बार ना पंचर नहीं होता, जो पत्थर रहते हैं ना लद्दाख में, बहुत बहुत किलोमीटर तक कच्चा रास्ता और पत्थर, वो पत्थर खड़े होते हैं और टायर काट देते हैं आपके, तो उस बीच में या तो आप स्टपनी यूज़ करोगे, और स्टपनी भी अगर कुछ दिक्कत है, मान लो आपने स्टपनी लगा ली उसके बाद फिर दिक्कत आ गई कोई, और आपका टायर में कट भी लग जाए, तो आप ये तो है
किसी से अपना ट्यूब डलवा के उसमें हवा भरवा के अपने घर तक आराम से आ सकते हैं। और वहाँ ट्यूब भी भाई बहुत महंगी मिलती है, हमने हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक दो जने बता रहे थे पानी की बोतल वहाँ 50-55 रुपये की रस्ते में, सब चीज़ डबल रेट मानो वहाँ। लेकिन हमारे दोस्त थे भाई वरुण भाई, उनके ही हम कॉटेज में रुके थे लेह में, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी थी। हमारी सीरीज देखोगे तो आपको पता लगेगी इस चीज़ के बारे में। और छठी चीज़ आपको बताते हैं, छठी चीज़ आपकी ये है ग्राउंड क्लियरेंस। लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी की मुझे इतनी दिक्कत लगी नहीं भाई, क्योंकि और कई लोग ऑल्टो भी ला रखे थे, स्विफ्ट भी ला रखे थे, कई लोगों ने मिथ बना रखा है ना कि आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको फ़ायदा तो है भाई, आपकी गाड़ी नहीं टिकती। जैसे मेरी ये 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इसी गाड़ी में, स्कॉर्पियो एनवी 190 mm का है, इसमें 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और ऊपर से हमने टायर अपग्रेड कर दिया, थोड़ी सी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस और बढ़ गया, आप देख सकते हैं नीचे से कितने ऊपर है गाड़ी। तो भाई यही चीज़ है कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस हाई रहना चाहिए, लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है। अगर आपका हाई रहेगा तो आप सीधे गड्ढे में डायरेक्ट कूदा के निकाल लोगे, वरना जो नए जा रहे हैं उनके लिए बता दूँ तो कोई गड्ढा है आपके सामने, जैसे मान लो ये गड्ढा है, तो गाड़ी ना डायरेक्ट इसमें मत कूदाओ, हल्की सी यूँ काट के एक टायर राइट वाला कूदाया, फिर लेफ्ट वाला यूँ करके निकाला, फिर यूँ मतलब यूँ कर्व लेके यूँ चढ़ाओ गाड़ी, सीधे गड्ढे में कूदाओगे बम्पर निकलेगा सब चीज़। और हमारी गाड़ी पूरी लद्दाख ट्रिप करी आई, कहीं से कहीं तक कोई नीचे से नहीं लगी, ऊपर से नहीं लगी। तो बस यही ट्रिक अपनाओ यूँ करके और यूँ। और पहाड़ों का एक रूल और है भाई, ड्राइविंग का एक टिप और देता हूँ, टिप तो देता ही रहता हूँ मैं, कि भाई अपनी साइड में ही रह के गाड़ी काटें, कहीं से भी निकालें, मतलब अपनी साइड दबा के काटें, कितना भी तगड़ा कर्व है आपको उस तरफ जाना ही नहीं, कोई भी गाड़ी किसी भी टाइम आ सकती है। दूसरी बात, जो गाड़ी डाउन पे आ रही होगी मतलब जो उतर रही होगी, वो चढ़ने वाली गाड़ी को साइड देगी। जो गाड़ी लोड पे चढ़ के आ रही, चाहे कोई बड़ी गाड़ी हुई चाहे कोई छोटी गाड़ी हुई, जो आपकी चढ़ के आ रही है और जगह कम है, तो आपको रुक के उसे साइड देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूरे मोमेंटम टूटते ही उनकी गाड़ी पता नहीं कितनी बैक जाएगी। अगर ट्रक वगैरह हुआ तो गाड़ी फिर भी थोड़ी बहुत तो जाएगी गाड़ी भी, इसलिए अगर आप डाउन पे हैं तो ये बात ध्यान रखे करें, पहाड़ों पर जाएँ, कोई बेचारा आप चढ़ाई पर चढ़ के आ रहा तो साइड पहले दे दें, कि आपको डाउन पर जाना है और आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही बात कर लें अपनी गाड़ी की माइलेज की, जो कि सीएनजी में तो हमारी 30-32 पर की देती है, आपको पता है एक्सयूवी 500 इस पे आए हैं तो माइलेज की वजह से आए थे, जिसमें गाड़ी खड़ी उतर रही है। नॉर्मल टायरों में इसने दी हमें 19 की माइलेज, हमने ब्लॉग में भी दिखाया था, वो हमारा फ्यूल वगैरह काफ़ी कम लगा यार औरों के मुकाबले, ना बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन हो जाता, लेकिन इस गाड़ी में हमारा भाई मुश्किल से 2 या 3 टैंक लगे, नहीं 2 से ज़्यादा लगे, 3 टैंक लगे भाई प्रॉपर, जो 3 टैंक लगे प्रॉपर वाले, एक आधा टैंक लगा होगा, मतलब कहने का 10-15 हज़ार के तेल में ये हुआ ही लद्दाख। तो 19 की एवरेज ये पहाड़ों पे जहाँ ऑक्सीजन कम थी वहाँ दे रही थी भाई, और बिल्कुल हाई क्लिम्पों पे जहाँ दूसरा गियर पहला गियर पे गाड़ी चलती है, और हाईवे पे तो भाई पूछो ही मत 25-26 आराम से 27 तक की निकालती है, नॉन हाइब्रिड गाड़ी है सीएनजी वाली, और सीएनजी जहाँ मिल गई वहाँ तो मजे ही मजे, जम्मू के बाद सीएनजी मिल गई। 8वीं चीज होगा आपके लगेज के रिकॉर्डिंग, आइए पहले एक बार बूट दिखाते हैं। भाई देखो इतना बूट स्पेस मिलता है आपको, ये ट्रे में घर छोड़ गया था, आप लोग भी अगर ट्रे वगैरह होते घर छोड़ जाते स्पेस बढ़ जाता है आपकी गाड़ी का, चलो वो चीज़ तो अलग है, जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए, ये बूट स्पेस हो गया हमारा, अब बंद कर देते हैं। तो भाई ये तो पुराने बड़े बूढ़े भी कह के गए हैं हमें, सफ़र में जितना लगेज कम होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। लद्दाख के लिए कपड़े आप 2-4 मोटी मोटी जैकेट रखें, उसके अलावा सब अंदर के रखें, जहाँ आपके बस की हो वहाँ उतार के नए नए कपड़ों में फ़ोटो खिंचवाओ, वरना एक जैकेट ही पहन के बंदे गुजार देते सारा टाइम। और लगेज की बात करूँ क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वहाँ, कम से कम जहाँ जहाँ आपको पानी की पेटी है, मार्केट आए ना होलसेल की पूरी पेटी रखिए, क्योंकि 60-60 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलता वहाँ। तो हमने तो 4-5 बार पेटियाँ खरीद ली, महंगी मिलती है, दिल्ली से तो हमें 120-130 रुपये की पड़ी, वहाँ 250-250 रुपये की पेटियाँ मिल रही है बिस्लेरी की किनले की, तो वो ज़रूर लें। क्योंकि लद्दाख के पहाड़ों पे यार ऐसा भी नहीं है ना, झरने मट्टी के पहाड़ हैं, वहाँ झरने भी गंदे से आते हैं, मतलब पीने लायक पानी नहीं होता, तो आपको पानी ज़रूर रखना अपने साथ। हम तो क्या था, हम एक पोर्टेबल स्टोव था हम पे, जहाँ मन करा कैंप लगा दिया, कैंप नहीं भी लगाया तो मैगी इतनी थी स्टॉक में, पास्ता इतना था, देसी घी वगैरह सब ले गए थे, जहाँ मन करा वहीं बनाना चालू, भूखे तो बनाए चिप्स वगैरह नमकीन बिस्कुट सब, ये चीज़ ज़रूर रखें, क्योंकि आपका सफ़र ये लद्दाख वाला मनाली की तरह नहीं होने वाला कि रास्ते में रोका होटल पराठे खा लिए, 100-100 किलोमीटर हो जाते हैं भाई, 3-3 4-4 घंटे कुछ नहीं आ रहा,
समझ रहे हो, अनुमान लगाओ। तो अपना खाने की कवरेज पूरी लेके जाएं, और हाँ अटल टनल की तरफ से जा रहे हैं तो आप पोर्टेबल स्टोव भी लेके जाएं, क्योंकि वहाँ सिलेंडर अलाउड नहीं है बड़ा वाला गैस भर के, उसमें आपको खाली करना पड़ेगा सिलेंडर, फिर दोबारा पार करने के बाद आप भरवा लो कहीं वहाँ मार्केट से जो पड़े रहते हो, और आप पोर्टेबल स्टोव लेके जाओगे तो उस पर ब्यूटेन सिलेंडर होते हैं वो चल जाते हैं। ये बात ज़रूर दिमाग में बैठा लें भाई, खाने को नहीं मिलता और पानी की व्यवस्था सबसे पहले, खाने के बिना रह जाएगा आदमी, पानी के बिना नहीं रह सकता। नौवीं चीज़ अभी याद आई, मेरी गाड़ियाँ पड़ी होगी आपको दिखाता हूँ, इधर ही होगी रुको एक सेकंड। मैंने अभी गेट खोला ना, याद आई कि कुछ लद्दाख की हमारे पास सौगात है, दोनों चीज़ें, एक तो आपकी हो गई वैसलीन, वोट आपके ऐसे हो जाएंगे मेरे लद्दाख के व्लॉग जाना, यहाँ तक कट लग गए होटों में ये, दूसरी चीज़ बहुत ही आपकी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा सुखदाई हो सकती है, कपूर जो पूजा में इस्तेमाल होती है। ये कैसे भाई, ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो जाता है ना, इतना डाउन पूछो मत। तो वहाँ आप क्या करो, जहाँ आपको हाई पासिस पर दिक्कत लग रही है, पहली बार ज़्यादा घूमो फिरो मत, एकदम एक्टिव मत, वहाँ जाके एक दो दिन तो होटल में रुको, आसपास मार्केट घूमी आओ, बस ऊपर ज़्यादा जाना मत। और ये कपूर रखा, हाँ सूंघते रहो, इससे ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ा रहेगा और बहुत जनों की जान बचाई, तो हमने कईयों को दिए ये कपूर जरूर रखें अपने पास। और वहाँ बटर भी ज़्यादा खाएं थोड़ा सा, बटर से भी आपके ऑक्सीजन लेवल वगैरह में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और भाई अगर ज़्यादा ही अस्थमिक पेशेंट है तो ना जाए मेरे हिसाब से, जा भी रहे हैं तो यहीं से दिल्ली से 400-500 रुपये सिलेंडर आता है छोटा वाला, जो यूँ मुँह में सांस लेते हैं 400-500 नहीं, और 150-200 का ही आता है, वहाँ मिलता है 1500 का, तो वो अगर आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो यहीं से लेके जाए। हाँ एक चीज़ और याद है, हम तो गए थे 4 दिन इसमें, आप लोग भी चाहे आप पे मिड साइज एसयूवी हो चाहे फिर मतलब इंडेवर की तरह अपर साइज हो, भाई 5 सीटर है तो 4 जने जाओ, 3 जाओगे तो बेस्ट है, हमारा ट्रिप स्पीटी वाला सबसे बेस्ट निकला, क्यों 3 जने थे, जिसको नींद आए वो पीछे जाके सो जाए, और अगर आपके पास गद्दा वाला जो हवा भर के गद्दा सा बन जाता तो बेस्ट ही है, और अगर आप पे बड़ी एसयूवी भी है ना एसयूवी टाइप तो भाई आप 5 जने ही जाओ, क्योंकि पीछे तो डिग्गी में ख़त्म हो जाती है गाड़ियाँ, तो सामान ले आते हैं बंदे, बस इससे ज़्यादा नहीं। आप सोचो कि छोटी गाड़ी में स्विफ्ट में 5 जने जाएंगे भाई, खर्चा कमाएगा, खर्चा तो कमाएगा लेकिन लेन देन हो जाएगी, आगे बैठने के लड़ते रह जाओगे पूरे रास्ते। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी इस चला दिया, और सबसे बड़ी बात भाई अगर आपको इतना परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो, आप मनाली तक के ही ड्राइवर हो या फिर मसूरी तक के, तो आप ये मत समझना आप लेह तक के ड्राइवर हो। राम पंडित जी, राम राम, कई प्रोडक्ट का भरोसा है। ये रोड दिखाओ एक बार पब्लिक को, इसमें ज़्यादा चौड़ा लग रहा होगा, ये बीच की पट्टी है ना, इस बीच की पट्टी से इधर इधर रोड पे ट्रक भी आ रहा है और आपको भी जाना है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं आपको कैसे ड्राइवर की जाता है। अगर नहीं है बस की तो आप ड्राइवर हायर करके ले जाओ भाई, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग यार गलती कर देते हैं, अपनी जान की भी जोखिम कर लेते हैं दूसरे की भी। और ये सारी टिप्स मैंने गाड़ी के रिगार्डिंग बताई, वहाँ रहने के हिसाब से नहीं बताई, और अगर आप एल्कोहलिक हैं तो वहाँ दारू कम पिएं, अगर नहीं नींद आती तो 2 पैग मार लें या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा दारू ना पिए, क्योंकि वहाँ दारू पीने के बाद ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है दिल्ली में, इस बात का ध्यान रहे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो टिप्स बताई वो अगर आपको अच्छी समझ में आई हो ना, जाने से पहले देख रहे हो वीडियो तो भाई लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और कुछ चीज़ पूछनी हो ले के बारे में, होटल भाई कहाँ रुके हैं, कैसे कैसे क्या आइटनरी बनाएं अपनी, कहाँ कहाँ जाएँ, कमेंट कर देना मैं बता दूंगा, और होटल में भी तुम्हारे भाई के जो गार्ड नंबर या स्टाइटी मैं मेंशन कर दूंगा, जिन भाइयों के होटल हैं हमारे बजट ट्रीटमेंट फ्रेंडली लोग हैं, जैसे आपको मन करे वैसे ले चले जाए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।